हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज की वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें 25 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो भी की पॉइंट है उनको हम डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए साख अभियान इसको शुरू किया है। तो ये जो साज अभियान है इसको मणिपुर राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहीं पे यदि साज अभियान की बात की जाए तो इसकी आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, जिसके फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सोशियल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ये हो जाएगी निमोनिया की फुल फॉर्म। और ये जो निमोनिया है इससे रिलेटेड साज अभियान इसको मणिपुर राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहीं पे बात कर लेते हैं कि मणिपुर के स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर सपम रजन सिंह, इन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। यहाँ पे यदि निमोनिया की बात की जाए तो जो न्यूमोकोकल निमोनिया है ये किसके कारण होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण ये होता है। निमोनिया यह वायरल, बैक्टीरियल या फिर फंगल संक्रमण के कारण होता है और यह एक प्रकार की फेफड़ों की बीमारी है। इसके अंदर क्या होता है कि जो फेफड़ों के अंदर वायु की थैली होती है जिसे क्या कहा जाता है, एल्वियोली, इसके अंदर सूजन आ जाती है और हवा की थैली में तरल पदार्थ भर सकता है, यही होता है निमोनिया। भारत सरकार के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2025 तक बच्चों में निमोनिया से होने वाली मौतों को प्रति 1,000 जीवित बच्चों पर 3 से कम कर किया जाए। तो यह लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा 2025 तक। यहीं पे यदि मणिपुर राज्य की बात की जाए तो इसकी राजधानी तो हो जाएगी इम्फाल। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है श्री अनुसुईया उइके, जबकि मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी सन 1972 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 26 नवंबर 2023 को इम्फाल के अंदर मणिपुरी भाषा, जिसका नाम क्या है, मेईतेई माइके लिपि, इसके अंदर भारत के संविधान का डिजिटल संस्करण जारी किया है। और एक और ध्यान देना है, मेरा होचोगबा यह मणिपुर राज्य के अंदर मनाया जाता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुलथंडी सांस्कृतिक उत्सव इसका भी उद्घाटन किया है, 5 दिवसीय, जिसका नाम क्या है, यसांग उत्सव, यह भी मणिपुर राज्य के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है मोहम्मद शमी, और इन मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बात की जाए अर्जुन अवार्ड 2023 की, तो इसकी शुरुआत सन 1961 के अंदर हुई थी। इनामी राशि इसके अंदर 15 लाख रुपए की दी जाती है, जबकि विजेता की बात की जाए तो इसके अंदर कुल 26 विजेता है जिनको अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले जितने भी ये खिलाड़ी हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इस लिस्ट को एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसके अंदर यदि 2023 के विजेता की बात की जाए तो ये दो खिलाड़ी थे, एक तो है चिराग चंद्रशेखर रेड्डी जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी है, और एक है रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, यह भी बैडमिंटन के खिलाड़ी है जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1991-92 के अंदर। नेक्स्ट है आईपीएल इतिहास की यदि सबसे महंगे खिलाड़ी की बात की जाए तो यह मने हैं मिचेल स्टार्क, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको खरीदा है। बीसीसीआई ने एमएस धोनी इनकी जर्सी, जिसका नंबर कितना था, 7 नंबर की जर्सी इनकी थी, इनको रिटायर करने का फैसला किया। यहीं पर बात की जाए कि 10 नंबर की जर्सी जो है यह सचिन तेंदुलकर की थी। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी यह दक्षिणी अफ्रीका के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज यह रोहित शर्मा बन गए। नेक्स्ट यहीं पे हम बीसीसीआई की बात कर लेते हैं, जिसकी स्थापना 1928 के अंदर हुई थी। इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर स्थित है। अध्यक्ष की बात की जाए तो वर्तमान में अध्यक्ष है इसके रोजर बिन्नी, जबकि सचिव कौन से हो जाएंगे, इसके जय साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया है। तो शीतकालीन शोध के लिए जो मिशन है यह आर्कटिक के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
बात कर लेते हैं यहाँ पे ये शीतकालीन शोध मिशन जो है यह आखिरकार है क्या। तो ये शीतकालीन शोध मिशन है, इसको पहली बार भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत की जो हिमाद्री स्टेशन है यहाँ पर ये 1 साल तक कार्य करेगा। हिमाद्री स्टेशन जो कि नॉर्वे के अंदर स्थित है, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव है इससे 1200 किलोमीटर दूर ये स्थित है। हिमाद्री स्टेशन का उद्घाटन 2008 के अंदर किया गया। अंटार्कटिका महाद्वीप की बात की जाए तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मेसिप। एस्किमो जनजाति यह बर्फ से बने घर इग्लू के अंदर रहती है। विश्व का सबसे बड़े द्वीप की बात की जाए तो यह है ग्रीनलैंड, और इस ग्रीनलैंड द्वीप के ऊपर डेनमार्क का अधिकार है। नेक्स्ट यहीं पे बात कर लेते हैं कि जो अंटार्कटिका है यहाँ पे भारत ने कौन कौन से मिशन लॉन्च किया है। तो एक तो है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और एक है भारती। यहीं पे बात की जाए आर्कटिक की तो आर्कटिक में भारत ने ओनली फॉर एक ही मिशन भेजा है जो कि कौन सा है, हिमाद्री। हिमाद्री जो है इसको 2008 के अंदर लॉन्च किया गया था, यानी शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष यानी कि ऊंटों का उत्सव, यह ऊंटों का वर्ष यह घोषित किया गया है सन 2024 को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहीं पे बात कर लेते हैं यूएनओ की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क के अंदर। यदि इसके वर्तमान में अध्यक्ष की बात की जाए तो एंटोनियो गुटरेस हो जाएंगे इसके वर्तमान में अध्यक्ष। यूएनओ इसके कुल 6 अंग है। 2023 की बात की जाए तो 2023 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज या फिर मिलेट्स या फिर बाजरा वर्ष घोषित किया है। क्वेश्चन के अंदर आपको तीनों देखने को मिल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष, मिलेट्स का वर्ष या फिर बाजरा वर्ष कौन से वर्ष को घोषित किया है। तो ये ध्यान देना है 2023 को घोषित किया है, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष यानी कि ऊंटों का वर्ष घोषित किया है, 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया था, और 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिल्लई कला यह कहाँ पे प्रारंभ हुई है। तो जो चिल्लई कला है इसको शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये चिल्लई कला होती क्या है। तो जो चिल्लई कला है यह हाथ कपा देने वाली सर्दी होती है, यानी कि भयंकर सर्दी पड़ती है उसी को कहा जाता है चिल्लई कला। चिल्लई कला जो है यह कश्मीर के अंदर शुरू हो गई है, यानी कि कश्मीर के अंदर जो है बर्फबारी शुरू हो गई है। अब बर्फबारी शुरू होने के चलते क्या होता है कि जैसे ही कश्मीर के अंदर बर्फबारी शुरू होती है तो इससे उत्तर भारत के अंदर एक शीतलहर चलती है। जैसा कि आप सभी ने अभी नोटिस किया होगा कि उत्तर भारत के अंदर शीतलहर चलती है, जिसकी वजह से क्या है कि सर्दी बढ़ चुकी है। यह 40 दिन तक रहेगी, यानी कि कब तक रहेगी, 31 जनवरी तक ये रहने वाली है। सबसे कठोर सर्दी वाले दिनों इनको क्या कहा जाता है, चिल्लई कला कहा जाता है। नेक्स्ट यहीं पे हम कुछ प्रमुख दर्रों को कवर करेंगे, जैसे कि काराकोरम झरना जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, और यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि लद्दाख के अंदर स्थित है। जोजीला झरना जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल, बनिहाल, बुरजीला दर्रा, ये तीनों के तीनों कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर के अंदर। बात की जाए सिपकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, और यह दर्रा जासिगन श्रेणी के अंदर स्थित है। रोहतांग दर्रा की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, और यह दर्रा मध्य हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बारालाचा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, लिपू लेक दर्रा यह उत्तराखंड के अंदर स्थित है, और यह दर्रा महान हिमालय या फिर वृद्ध हिमालय के अंदर स्थित है। माना दर्रा की बात की जाए तो उत्तराखंड के अंदर स्थित है जो कि कुमायूं हिमालय के अंदर स्थित है, और नीति दर्रा भी उत्तराखंड के अंदर कुमायूं हिमालय के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी ये किसने जीती है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की बात की जाए तो इसको गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के द्वारा जीत लिया गया है, जो कि कहां पे स्थित है, अमृतसर के अंदर स्थित है। तो बात की जाए यहाँ पे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की, इसके तहत मौलाना अबुल कलाम आजादी ट्रॉफी इस वर्ष गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्रदान किया जाएगा। यहीं पे
यदि बात की जाए कि ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, यह अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने के लिए हर साल प्रदान की जाती है। इसके यदि प्रथम उप विजेता की बात की जाए, कि विजेता तो इसके अंदर कौन बना है, यह है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। लेकिन यदि पहले उप विजेता की बात की जाए तो इसके अंदर उप विजेता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि पंजाब के अंदर स्थित है। जबकि द्वितीय उप विजेता की बात की जाए तो इसका अवार्ड कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को दिया गया है, जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, यहीं पे हम कुछ अवार्डों को कवर करेंगे, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है, इसका नया नाम चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है, यह खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1991-92 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अर्जुन अवार्ड की, जिसकी शुरुआत हुई थी 1961 के अंदर। और अर्जुन अवार्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनकी 4 साल के अंदर सबसे ज्यादा या फिर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है, उन खिलाड़ियों को ये दिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की, जिसकी शुरुआत हुई थी 1985 के अंदर, और ये दिया जाता है कोच को दिया जाता है। नेक्स्ट है ध्यानचंद अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड जिसकी शुरुआत हुई थी सन 2002 के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहीं पे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की बात की जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2009 के अंदर। और ये जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, यह दिए जाते हैं जैसे कि कोई भी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है या फिर एनजीओ है, संस्था है, प्राइवेट सेक्टर है, वहां पे ये अवार्ड दिए जाते हैं। और एक हो गया अपने पास में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1956-57 के अंदर। तो 1956-57 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, और यह यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं उनको ये दिए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।